कुछ उपकरण होते हैं जो विद्युत की खपत करते हैं और कुछ उपकरण जो विद्युत पैदा करते हैं। किसी एक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण इलेक्ट्रिक जनरेटर या विद्युत जनित्र कहलाता है। घर या किसी उद्योग संस्थान में ये जनरेटर देखा जा सकता है। जिस प्रकार विद्युत मोटर में विद्युत और चुंबक के माध्यम से चालक को घुमाया जाता था, यहाँ उसके विपरीत विद्युत जनित्र में चुंबकीय क्षेत्र में घूमते हुए चालक को लाया जाए तब विद्युत उत्पन्न होती है। जिस प्रकार मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में बदलती है, उसके विपरीत जनरेटर यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आइए विद्युत जनरेटर की कार्य प्रणाली को करीब से जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले एक मोटर लेते हैं। यह चालक को विद्युत देने की जगह यदि चालक को घुमाया जाए तो क्या होगा? हम जानते हैं कि चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने से विद्युत धारा उत्पन्न होती है, लेकिन विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने से पहले इस सेटअप में एक बदलाव करते हैं। यह विभक्त वलय हटाकर हम पूरी वलय लगा देते हैं और देखते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। चालक को धुरा के माध्यम से दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज दिशा में घुमाया जाए तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दक्षिणहस्त नियम का उपयोग किया जाएगा। धुरा दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही है तो चालक की एबी भुजा का मोशन ऊपर की ओर होगा, जो कि अंगूठे से दर्शाया जाएगा। साथ ही पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर इशारा करेगी, तब बीच वाली उंगली एबी भुजा पर प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को बताएगी, जो यहाँ अंदर की ओर लगेगी। उसी तरह हम सीडी भुजा पर भी प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात कर सकते हैं, जो कि बाहर की ओर है। ये विद्युत धारा कितनी और किस दिशा की ओर उत्पन्न हो रही है, एक गैल्वेनोमीटर को सर्किट में लगाकर पता लगाया जा सकता है। यहाँ देखा जाए तो पता चलेगा कि आधे चक्कर के बाद सीडी ऊपर की ओर घूमेगी और एबी नीचे की ओर, जिस कारण सर्किट में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा भी बदल जाएगी और हर आधे चक्कर के बाद प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बदलने की प्रक्रिया होती रहेगी। यूं बार बार दिशा बदलने वाले जनरेटर को एसी विद्युत जनित्र या एसी इलेक्ट्रिक जनरेटर कहा जाता है। ये एसी क्या होता है? एसी का मतलब अल्टरनेटिंग विद्युत धारा होता है। जो विद्युत धारा अपनी दिशा बदल लेते हैं उन्हें अल्टरनेटिंग विद्युत धारा कहा जाता है, और जो विद्युत धारा अपनी दिशा नहीं बदलते उन्हें डायरेक्ट विद्युत धारा अथवा डीसी कहते हैं। बैटरी से आने वाला विद्युत धारा डीसी होता है और हमारे घरों में पावर सप्लाई से आने वाला विद्युत धारा एसी होता है। यही कारण है कि हम अपने घरों में एसी विद्युत जनित्र ही लगाते हैं, क्योंकि वह एसी विद्युत धारा प्रेरित करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि डीसी विद्युत जनित्र कैसे काम करता है? याद है शुरुआत में विभक्त विलय हटाई गई थी, यदि उन्हें वापस लगा दिया जाए तो हमें डीसी विद्युत धारा की प्राप्ति होगी और ऐसे जनरेटर डीसी विद्युत जनित्र कहलाते हैं। डीसी विद्युत जनित्र आमतौर पर गाड़ियों में अल्टरनेटर नामक उपकरण में कार्य करते हैं, जिनका काम गाड़ी की बैटरी को चार्ज करना होता है। एक साधारण चुंबक से शुरुआत कर हम कहां चुंबक की मदद से विद्युत उत्पन्न करने तक आ गए। कहने का तात्पर्य यही है कि विज्ञान में किसी भी चीज की कोई सीमा नहीं है। आप जितना अंदर तक जाओगे चीजें उतनी ही खुलती जाएगी।